वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4, 5 एंड 6 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो हमें दिया गया है वो ये है कि 4u² + 8u। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसे फैक्टराइज करके इसके जीरोज फाइंड करने हैं एंड देन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ x² एंड x के बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग 4u कॉमन ले लें। अब यहाँ पे 4u हम कॉमन क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि अपने पास जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म ना दिया हो, यानी अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में x² + bx + c कुछ इस टाइप का होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और इन तीनों में से कोई एक भी मिसिंग है, तीनों में से कोई अगर एक मिसिंग है तो हमें इसे फाइंड करने के लिए हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इनमें कुछ कॉमन लेना होगा, कुछ कॉमन टर्म्स बाहर निकालने होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग 4u कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u + 2। ठीक है, क्या आ गया, 4u को हमने जब कॉमन ले लिया तो u + 2, यानी कि यह आपका जो क्वेश्चन है क्या हो चुका है, तो फैक्टराइज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो इसका जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 4u को एक बार हम जीरो से इक्वेट कर लें और एक बार u + 2 को हम जीरो से इक्वेट कर लें। तो पहला जीरो यहाँ से आपको मिल जाएगा u = 0 और दूसरा आपको यहाँ से मिलेगा u = -2। ठीक है, तो जब हमने इसको स्प्लिट कर लिया तो हमें क्या मिला कि u = 0 एंड u = -2, ये क्या है, तो इसके जीरोज हैं। ठीक है, देन 0 and -2 आर द जीरो ऑफ द आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो -2 और 0 -2 क्या है, इस गिवन पॉलीनोमियल के जीरोज हैं। तो हमें क्या करना है कि जीरोज और कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ यू के बीच का रिलेशन क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हम इसको कैसे कर पाएंगे कि हम जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सम ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। -b/a कहने का मतलब क्या है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दूसरा रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होता है, c/a। c/a कहने का मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन दो रिलेशन को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें पहला जीरोज दिया गया है 0 और दूसरा दिया गया है -2, यानी क्या हो जाएगा, 0 + -2 = क्या होगा, पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, 0 + -2 जो कि क्या होता है -b/a। b मतलब क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, एंड a मतलब क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो u है तो u का कोफिशियंट क्या है, यानी -8, और y² कोफिशियंट क्या है u² का, तो 4, यानी -8/4। ठीक है, यानी 0 + -2 हो जाएगा -2, और जब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं क्या आ जाता है, -2, यानी क्या है कि LHS = RHS है, यानी हमारा जो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, देन अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि होता है c/a। c मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, एंड a मतलब क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या दिया गया है, u, तो हम जो भी चेक करेंगे कोफिशियंट्स वो किसके लिए चेक करेंगे, u के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ हमारा जीरोज है -2 × 0, और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वाला कोई पार्टी नहीं है, यानी कि 0, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4। तो यानी 2 × 0 करेंगे 0 आएगा, और यहाँ इनका 4 से हम 0 को डिवाइड करते हैं तभी भी क्या आएगा, 0 आ गया, यानी यहाँ भी क्या हो गया, LHS = RHS, यानी जो प्रोडक्ट वाला रिलेशन है वो भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को सॉल्व कर सकते हैं। देन जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, तो देन अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, इसमें हमें दिया गया है t² - 15। और आप इसको भी अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से कंपेयर करते हैं, जो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c, और इसे कंपेयर किया जाए तो जो मिडिल वाला टर्म है ये क्या है, यहाँ पे नहीं है। तो मैंने आपको बताया जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे एक इन तीनों में से कोई एक भी गायब है, इन तीनों में से कोई एक भी हमें दिया नहीं गया है, तो हम कुछ उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, इसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, वो आइडेंटिटी है कि हम सभी को पढ़ाया जाता है कि कहीं पर a² - b² अगर दिया हो तो हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, एक बार a + b एंड दूसरे ब्रैकेट में a - b,
तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग यूज करके इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया गया है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को हम टी स्क्वायर रहने देते हैं और हम सभी 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा साउंड की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके लिए सॉरी। तो जो ये आइडेंटिटी आपको बताया गया है, इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम यानी इसको हम टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहने देते हैं और रूट 15 को लिख सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी जब आप कंपेयर करेंगे तो यह जो क्वेश्चन आपका है वह इस आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको अब हम क्या लिख पाएंगे, एक बार टी माइनस रूट 15 एंड एक बार इसको हम लिख पाएंगे टी प्लस रूट 15। ठीक है, देन अब हम जानते हैं कि अब जो आपका क्वेश्चन है फैक्टराइज हो चुका है। तो जो टी स्क्वायर माइनस 15 है ये जीरो तभी पॉसिबल है जब या तो टी माइनस रूट 15 जीरो हो जाए या फिर टी प्लस रूट 15 जीरो हो जाए। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि अब हमें इसके दो फैक्टर मिल चुके हैं, तो इसका हम जीरोस कैसे फाइंड कर पाएंगे कि हम एक बार इसको कंपेयर कर दें, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, या फिर यानी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 15, या फिर टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस रूट 15। तो यहाँ से आपको दो जीरोज मिल गए, पहला है प्लस में रूट 15, दूसरा है माइनस में रूट 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें इनके जो रिलेशन है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसको वेरीफाई करना है। इसको हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि जो यह रिलेशन है वो क्या है, सही है इन जीरोज के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल गया है, यहाँ कि माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ हमें दो जीरोज मिल गए, माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15। ठीक है, इसको आप लोग कहीं रफ में कहीं रफ में सॉल्व करके आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे। ठीक है, देन पहला हमारा जो रिलेशन है कि सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इसको हमें वेरीफाई करना है। बी मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है, बी का मतलब है कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड सी का मतलब है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज वो क्या होगा, माइनस 15 प्लस में 15 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अगर इसको देखा जाए, अगर इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ जो बी वाला पार्ट है, जो बी क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स, वो नहीं है, यानी कि माइनस जीरो अपॉन में टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर के पहले कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, तो 1 है। ठीक है, जब इनको हम प्लस करेंगे इसका आंसर भी क्या आ गया, 0, एंड इस 1 से 0 को डिवाइड करेंगे इसका आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज वाला वो क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। ठीक है, देन सेकेंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सेकेंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि होता है सी अपॉन ए, सी मतलब होता है कॉन्स्टेंट टर्म और ए मतलब क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट यानी कि माइनस 15 इंटू में प्लस रूट 15, और यहाँ पे सी क्या दिया गया हमें, सी दिया गया है माइनस 15, तो माइनस 15 और कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, तो टी स्क्वायर के पहले यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1। ठीक है, यानी क्या आ गया कि माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा माइनस 15 और ये हो गया माइनस 15। तो इस तरीके से जो अगला रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.2, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 में जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। तो जो क्वेश्चन है हमें गिवन है पार्ट 6 का, उसमें दिया गया है 3x² - x - 4। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमें स्प्लिट करके सॉल्व करना होगा। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे कि पहले हम लोग जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और कॉन्स्टेंट टर्म है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आता है 12। यानी हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, 12 आता हो, और जिनको प्लस या माइनस करने पे एक्स क्या आ जाए, एक्स आ जाए कि 1 आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि 3 4 जा क्या होता है 12, और अगर हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स, यानी क्या होता है 3x² - 4x + 3x - 4। ठीक है,
अब यहाँ हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस 4, और यहाँ पे हम प्लस 1 कॉमन ले पाएंगे 3x माइनस 4, ठीक है। देन जो पहला फैक्टर बनता है वो होगा आपका x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर बन जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है। तो ये हमें दो फैक्टर मिल गए हैं। अब हमें अगर जीरो फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया आप क्या करें कि जो भी आपके फैक्टर्स आ रखे हैं इनको आप जीरो से कंपेयर कर दें, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1, ठीक है, या फिर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू आ गया 4, x आ जाएगा 4 बाई 3। तो इसके दो जीरो जा गए, पहला आ गया माइनस 1, दूसरा आ गया 4 अपॉन 3, ठीक है। तो माइनस 1 एंड 4 बाई 3 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इस गिवन पॉलिनोमियल्स के माइनस 1 एंड 4 अपॉन 3 क्या हो गए, तो जीरोज मिल गए हमें। अब हमें क्या करना है कि इनका जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज वाला जो रिलेशन है होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कहने का मतलब क्या है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज कौन कौन सा है, माइनस 1 एंड 4 अपॉन 3, यानी कि माइनस 1 प्लस 4 बाई 3 इज इक्वल टू क्या हमें दिखाना है कि वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। माइनस बी मतलब कि कोफिशियंट ऑफ एक्स जो कि है माइनस ऑफ माइनस 1, एंड ए मतलब क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि क्या दिया गया है हमें 3 दिया गया है, ठीक है। जब इनको हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 3 माइनस 3 प्लस 4 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 1 बाई 3, तो ये क्या आ गया दोनों इक्वल आ गए। हमने जब दोनों जीरो का सम किया तभी भी 1 बाई 3 आ गया, फार्मूले से फाइंड किया तभी भी क्या आ गया 1 बाई 3 आ गया, यानी ये दोनों के दोनों रिलेशन क्या हो गए वेरीफाइड हो गए, क्या हो गए वेरीफाइड यानी कि चेक हो गए सही है, ठीक है। देन अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहने का मतलब क्या है कि हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए कहने का मतलब कि कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ दो जीरोज कौन कौन से हैं, माइनस 1 एंड 4 अपॉन 3, तो माइनस 1 इंटू में 4 बाई 3 इज इक्वल टू हमें क्या दिखाना होगा कि सी अपॉन ए इक्वल है, सी क्या दिया गया है 4, यानी माइनस 4 अपॉन 3, तो माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।